नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य पहुंची भागलपुर। कहलगांव में महिला को जलाकर हत्या करने के मामले की जाँच। स्नातक में नामांकन को लेकर विश्वविद्यालय में हुआ जमकर हंगामा। छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में दो दिवसीय आम प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। किसानों को उन्नत खेती की मिली जानकारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक कवायद हुई तेज। बांका एसडीओ ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। और भागलपुर पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले चार युवकों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में कॉरेक्स बरामद। और अब खबरें विस्तार से। कहलगांव के शिवनारायणपुर गांव में पिछले दिनों महिला की जलाकर हत्या कर दिए जाने के मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया है। मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी भागलपुर पहुंची और टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रमुखी देवी ने पीड़िता के परिजनों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली और न्याय का भरोसा दिलाया। महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि घटना में गिरफ्तार आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। टीम के साथ डीपीओ अर्चना कुमारी, भाजपा नेत्री सह पूर्व उपमहापौर डॉक्टर प्रीति शेखर मौजूद थी। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व शिवनारायणपुर के नवटोलिया गांव में बहनोई के भाई ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक में हो रहे नामांकन को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। नए सत्र की सूची रद्द करने की मांग को लेकर छात्र विश्वविद्यालय के सीसीडीसी प्रोफेसर के एम सिंह से उलझ गए और मांग पूरी नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दे डाली। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, लेकिन इस व्यवस्था से एडमिशन लेने में छात्र छात्राओं को काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एडमिशन के लिए जो सूची जारी की है, इसमें काफी गड़बड़ी है। जिन छात्रों की सूची एससी एसटी कोटे में रहनी चाहिए, उसकी सूची जनरल में है और जनरल वालों की सूची एससी एसटी में। ऐसे में छात्र कैसे नामांकन लेंगे, यह बड़ा सवाल है। वहीं पूरे मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से टीएमबीयू के सीसीडीसी बचते रहे। करीब एक घंटे बाद हंगामा बढ़ता देख प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरी एडमिशन के लिए, जिसमें मेरा फर्स्ट ऑप्शन था शारदा चंद्रवाड़ा कॉलेज, और उस कॉलेज में मेरा नाम आया। और अब जहाँ पर एडमिशन होना चाहिए वहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि हम एडमिशन बीएससी का नहीं करवा सकते। अगर नहीं देंगे तो ऑप्शन में नाम क्यों दिए शारदा चंद्रवाड़ा कॉलेज का, नहीं देना चाहिए था। मेरा अगर एडमिशन नहीं होगा तो मेरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। आज धरना पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि छात्रों के साथ जो पार्ट वन का नामांकन हो रहा है यहाँ, उसको लेकर घोर अन्याय किया गया विश्वविद्यालय द्वारा। विश्वविद्यालय जो है इसमें पूरी तरह नाकाम है और 80% वाले छात्रों को कहीं नहीं एडमिशन दिया गया, और जो छात्र का 50% है उसको एडमिशन लिया गया। मारवाड़ी जैसे पूरा विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में ऐसी घटना हुई है। इसको लेके आज हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि सूची को फिर से निकालिए। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में दो दिवसीय आम विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मंगलवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा और बीएयू सबौर के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान करीब 200 वैरायटी के आम और आम से बनाए गए खाद्य सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे अतिथियों के साथ किसानों और बीएयू के छात्र छात्राओं ने देखा। इतने प्रकार के आम की प्रदर्शनी देखकर सभी लोग काफी उत्साहित
दिखे और सराहना भी की। BAU की ओर से 9वीं बार आम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने वाले किसान प्रतिभागियों को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। मुख्य रूप से आम की खेती का विकास करने और अधिक से अधिक वैरायटी के आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक शंकर चौधरी, एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर R.N. सिंह, चेयरमैन डॉक्टर फिजा अहमद, डॉक्टर R.K. सुहाने समेत कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, छात्र छात्रा एवं किसान समेत कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा AG मॉक्स कोर्स की लॉन्चिंग की गई, जिसमें BAU की ओर से कोर्स की उपयोगिता के बारे में बताया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। बांका DM कुंदन कुमार के निर्देश पर मंगलवार को SDO मनोज कुमार चौधरी कई विभागों के अधिकारियों के साथ कांवरिया पथ का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान SDO ने पेयजल, बिजली, धर्मशाला में ठहराव की व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों से ली। SDO ने कांवरिया पथ को अतिक्रमण मुक्त करने, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, शौचालय, स्नानागार, स्वास्थ्य सेवा, कच्ची कांवरिया पथ पर बालू डालकर रास्ता तैयार करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। SDO ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक निरीक्षण है कांवरिया पथ का, हर साल हम लोग करते हैं, तो अभी मोटा मोटी देख रहे हैं कहाँ अतिक्रमण है, जिसको हटाना है, कहाँ क्या मरम्मत की ज़रूरत है, कहाँ अतिक्रमण है, ये इन चीज़ों को देखा जा रहा है, कहाँ किस धर्मशाला में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, जो कि कांवरियों से सीधे संबंध रखता है और कांवरियों की सुविधा के लिए ये सारे कार्य होने हैं। और हर साल की तरह इस साल भी बालू इसमें कांवरिया पथ में बिछाया जाएगा, उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाएगा। भागलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 4 युवकों को भारी मात्रा में नशीली सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। SSP आशीष भारती के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जोगसर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्वाल टोली से रोहित कुमार और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से पुलिस ने 4 बोतल विदेशी शराब और पिस्टल बरामद किया है। वहीं पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी भी दी है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने ततारपुर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब माफिया मंगल सिंह और अंकित कुमार को धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के घर से 195 बोतल कॉरेक्स कप सिरप को बरामद किया है। CT DSP राजवंश सिंह ने बताया कि मंगल सिंह और अंकित लंबे समय से शराब तस्करी के धंधे में लिप्त है और कई बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस जिला नगछिया में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सोमवार की देर शाम NH 31 रंगरा चौक के समीप हथियारबंद अपराधियों ने मक्का व्यवसायियों से 16 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायियों ने रंगरा थाना पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस्माइलपुर परबत्ता निवासी मिथुन कुमार और कुरसैला निवासी सुधीर कुमार यादव किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए SDFC बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भवानीपुर शाखा से 16.5 लाख रुपए की निकासी कर बाइक से कुरसैला लौट रहे थे। तभी 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधी हथियार के बल पर रुपए से भरा थैला लूटकर फरार हो गया। वहीं रंगरा पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रात में जो है रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH पर एक लूट की घटने की जानकारी मिली थी। 14 लाख रुपए लूटने की बात बताई थी जो व्यापारी है उसके द्वारा। तो उसमें रात में ही हम लोग थाना पे गए, POP भी गए। तो जैसा उनके द्वारा घटना में बताया जा रहा है कि वो बैंक से टोटल उन्होंने 17 लाख रुपए निकाले थे, 3 लाख उन्होंने किसी को जिसको देना था उसको दिए और बाकी के 14 लाख 2 साथी अपना एक बाइक से कुरसैला की तरफ जा रहे थे। जो उसमें मेन व्यापारी है वो कुरसैला का रहने वाला है, उसके एक्चुअली पैसे थे और जो 2 लोग जो ये जा रहे थे, एक उसका रिश्तेदार है और दूसरा उसके साथ मिलके काम करता है। 2 बैंक से उन्होंने पैसे निकाले, एक HDFC से निकाला गया, एक बैंक ऑफ इंडिया से। शाम को 6 बजे के लगभग वो बता रहे हैं कि हमने पैसा निकाला शाम के 6 बजे यहाँ से। फिर पैसा निकाल के वो लोग आगे बढ़े तो फिर बता रहे कि हमारे साथ ये घटना घटी। तो इसमें कुछ बातें जो सस्पेक्टेड सामने आ रही हैं कि पिछले 2 दिनों से नौगछिया जो NH है वो पूरी तरीके से जाम की स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि जो कुरसैला ब्रिज में एक एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से। तो इनके द्वारा ना तो उस समय पे जब घटना घटी किसी को फ़ोन किया गया, किसी मतलब वरीय पदाधिकारी को 100 नंबर पे, या किसी को बताया भी नहीं गया। इनफैक्ट जब
इतना ज़्यादा जाम वहाँ पे लगा हुआ था। और इनका कहना है कि बाइक वगैरह आई और वापस मुड़ के वहाँ से मतलब नौगछिया की तरफ अपराधी भाग गए, तो इतना भयावह जाम का स्थिति था कि वहाँ पे वापस बाइक का मुड़ना और इतनी देर में अपराध कारित करना और किसी का भी नहीं देखना अपराध घटित होते हुए, ये थोड़ा संदिग्ध बिंदु है। दूसरा, इनके द्वारा स्वयं एक व्यक्ति का फोटो दिया गया, इनका एक रिश्तेदार है जो कि भवानीपुर गांव जो है रंगरा थाना अंतर्गत, रितेश कुमार यादव वो रहने वाला है, उसके द्वारा एक फोटो दिया गया कि ये व्यक्ति हमारे साथ घटना किया है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। नौगछिया में अगलगी की घटना में एक दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह बिहपुर दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 16 कठौतिया मीराचक में एक घर में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने आसपास के करीब एक दर्जन घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या समाधान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साह के कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्रों को जब सुरक्षा में तैनात गार्ड ने हटाना चाहा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गार्ड से ही उलझ गए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुश पांडे और गार्ड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। भागलपुर के वैरायटी चौक के समीप चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 20 दिवसीय सुविधा केंद्र शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने जीएसटी से संबंधित व्यापारियों को आने वाली समस्याओं का निराकरण किया और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। जीएसटी वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए शुरू किए गए राज्य कर माल और सेवा कर केंद्र में व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल किया। समय रहते ही रिटर्न दाखिल करने का कार्य पूरा हो सके, इसको लेकर सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। दिन के 1 बजे से 5:30 बजे तक सुविधा केंद्र पर व्यापारी सुविधा का लाभ ले सकेंगे। चैंबर के पदाधिकारियों ने भी व्यवसायियों को कई बारीकियां बताई और सहयोग भी किया। इस अवसर पर चैंबर के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला, पुनीत चौधरी, सदर शलारपुरिया, गिरधर गोपाल मावड़िया, अभिषेक जैन समेत कई पदाधिकारी एवं विभाग के कर्मी मौजूद थे। 5 महापूर्व तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव कराया था। चुनाव का उद्देश्य छात्र संघ के प्रतिनिधि के माध्यम से छात्र छात्राओं की समस्या दूर करना था और चुनाव से पूर्व सभी छात्र नेताओं ने छात्र हित के मुद्दे को ही आधार बनाया था, लेकिन मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में इसका कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष जयप्रीत मिश्रा और छात्र राजद के अध्यक्ष शांतनु राउत आमने सामने हो गए और छात्रों की समस्या दूर करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे।
अभी स्नातक के नामांकन में गड़बड़ी सामने आ रही है और विश्वविद्यालय छात्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष को अपने खाता कुर्सियां इसकी पड़ी हुई है। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सीसीटीसी के ऑफिस में जाकर के नामांकन की गड़बड़ी की मांग कर रहे थे, वो अपने मुद्दा को लेकर के भ्रमित करना चाह रहे थे। आखिर कहां उनको छात्र हित की चिंता है, या छात्र समुदाय साफ साफ देख रहा है, छात्रों के सामने ये क्लियर है कि छात्र हित के साथ कौन खड़ा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लाठी खा करके भी, गुंडागर्दी सह करके भी नामांकन की प्रक्रिया में सुधार करा के रहेंगे। इसके लिए चाहे जो जिस परिस्थितियों से गुजरना पड़े, हम हटने वाले नहीं है। नामांकन की लिस्ट में सूची में सुधार करना ही पड़ेगा। छात्रों की समस्या के लिए हमने सीसीडीसी से मिला, और जो भी छात्रों की समस्या ये है कि अधिक अंक वाले को नहीं दिया गया टीएनबी कॉलेज और कम अंक वाले को ले लिया गया, तो हमने तो उससे बात करके बात किया। लेकिन जो भी विश्वविद्यालय की गरिमा को भंग करेगा, वार्तालाप से ही सोल्यूशन निकलता है। हम सोल्यूशन निकालेंगे, हम राजनीति चमकाने नहीं आए हैं, हम सोल्यूशन करने आए हैं और हम सोल्यूशन करेंगे। हम पद की गरिमा को भंग नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन कोई भी छात्र संघ का और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है छात्र संघ का और पदाधिकारी मौजूद? क्या सचिव नहीं है, महासचिव नहीं है, और यहाँ पर उपाध्यक्ष नहीं है? छात्र संघ का कहाँ है? छात्र संघ के कोई पदाधिकारी को चिंता नहीं है। मैं अध्यक्ष यहाँ पर खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ और लड़ते रहूंगा। भागलपुर के कुपेश्वर नाथ मंदिर परिसर स्थित माँ जीन माता के दरबार में मंगलवार को गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर भव्य मंगल पाठ का आयोजन किया गया। पंडित विजयानंद शास्त्री के द्वारा आयोजित पूजन कार्यक्रम में 41 सुहागिन महिलाओं ने भंवरा वाली जीन माता की पूजा अर्चना कर मंगल पाठ किया। इस दौरान पूरे विधि विधान से माँ की पूजा कर श्रद्धालुओं ने जगत कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब हो कि प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर कुपेश्वर नाथ मंदिर में जीन माता के मंगल पाठ का आयोजन किया जाता है। बुधवार को गंगा दशहरा है, जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है। नाथनगर प्रखंड के लालूचक में 7 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश शोभायात्रा के साथ हुआ। कलश शोभायात्रा घोड़ा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष एवं युवक युवतियों ने भाग लिया। शोभायात्रा को नगर विधायक अजीत शर्मा ने रवाना किया। विधायक ने कहा कि भगवान विष्णु समस्त जगत के पालक हैं और उनकी आराधना से समाज और राष्ट्र में सुख संपन्नता आती है। कलश शोभायात्रा यज्ञ स्थल से निकाली गई, जो महासैड्योड़ी श्रीरामपुर बैरिया रशीदपुर गंगा घाट से जल भर कर वापस यज्ञ स्थल पहुंची। यज्ञ के दौरान मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां झूलों के साथ कई मनोरंजन की चीजें उपलब्ध हैं। मौके पर देवाशीष बनर्जी, जीवन लाल मंडल, शिव शंकर मंडल समेत यज्ञ समिति के कई सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य पहुंची भागलपुर। कहलगांव में महिला को जलाकर हत्या करने के मामले की जांच। स्नातक में नामांकन को लेकर विश्वविद्यालय में हुआ जमकर हंगामा, छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय आम प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, किसानों को उन्नत खेती की मिली जानकारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक कवायद हुई तेज, बांका एसडीओ ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। और भागलपुर पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 4 युवकों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में कॉरेक्स बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।